हेलो गाइस, जैसे कि आज आपको बताएंगे आलमारी के जैसे पल्ले लगाने के बाद मटके कैसे सेट करें, तो आज हम आपको साइज लेके पल्ले लगाने की बढ़िया से आपको तरीका बताएंगे, किस तरीके से आप पल्ला लगा सकते हो और एकदम फिक्स आएगा। और एक ही बार में आप देखोगे तो इस तरीके का, जैसे हमने ये लगाया गाइस, तो इस तरीके का आप लगा बताएंगे, तो किस तरीके से आप साइज लोगे वो भी आज आपको बताएंगे गाइस। तो ये 10 का सिक्का लेते हैं, 10 का ग्रुप है, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस हर जगह 10 का दे रखा। तो आप इस तरीके से नापो, जैसे नाप पर देख रहे हो, या तो एमएम में ले लो या तो 3 इंची 2.5 फुट आ रहा, तो आप देख सकते हो गाइस 3 इंची 2.5 फुट दोनों तरफ से आप इसको इस तरीके से नाप सकते हो। और इसी तरीके से जैसे हमारा ये मटका है, तो इस मटके का हम निशान लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हो 3 इंची 2.5 फुट का निशान लग रहा है, और 3 इंची 2.5 फुट का इधर निशान लगा दिया हमने। तो ठीक है गाइस, अब इसमें हम आप सीधे डायरेक्ट कील ठोक सकते हो इस तरीके से, जो एक बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से हमने 2 कील ठोक दी, देखिए। और आप देख सकते हो गाइस, बगल का आपको भी इस 10 के सिक्के से ग्रुप का साइज लेना, इस तरीके से आप रख के, तो आप देखोगे गाइस इसका आपका ग्रुप आया, जैसे 58 आया है, जैसे 58 mm का ग्रुप है, तो आप mm में ले सकते हो या तो इंची में ले सकते हो। तो हम इसको mm में लेंगे क्योंकि mm में बहुत कम फर्क आता है। तो इस तरीके से हम mm का निशान यहाँ पर लगा के, जैसे ये mm का निशान लगा दिया, और इसमें भी हम कील ठोकेंगे, जैसे कि ये कील ठोक के गाइस, जैसे इधर की तरफ एक कील लगा हुआ है और 2 कील इस तरीके से लगाना। और इसको फिर लगाने के बाद आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से अभी फिक्स आया, तो थोड़ा बहुत आपको हाथ से इसमें वो करना पड़ेगा, तो आप देखोगे दोनों तरफ फिक्स आ गया और इधर थोड़ा ग्रुप करना पड़ेगा। तो एक आसान ट्रिक है, इसको आप कील को इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके से इधर करोगे तो ग्रुप खुद ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने ग्रुप कर दिया है इसमें, और इधर भी देखो पूरा 10 का ग्रुप है, इधर भी है, तो ऐसे थोड़ा बहुत इसमें भी करोगे। अब देखो इसका ग्रुप सेम आ चुका। अब इसको लगाने का तरीका आपको बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये हमने जैसे मत्ता सेट कर लिया और हर जगह देखो 10 का ग्रुप है इसमें, और कहीं पर भी आपका टकराएगा नहीं। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट इस तरीके से निकालो, इस तरीके से आप चैनल को निकालने के बाद ऐसे रखो, इस तरीके से हमने ये रखी मशीन, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सुराख करो दो, ये इस तरीके से ये सुराख इधर भी करो, ये भाई दो सुराख करें इसको, और दोनों में आप इस तरीके से आप इसमें आप 1.5 इंची का पेच मार सकते हो, और डायरेक्ट आप पेच मार सकते हो, और एक पेच आप आगे मार लो, जैसे कि आप देख सकते हो 3 पेज है, और फिनिशिंग इतनी बढ़िया दी गई है, और इसकी फिनिशिंग देखोगे और मजबूती भी इसमें पूरी प्रॉपर है, और बंद कर लीजिए, जैसे कि इसको हम डायरेक्ट आपको तो इसको देख सकते हो गाइस, इस तरीके से आपको मत्ता तैयार हो चुका है, जो कि एक रेडी है, और इसको इस तरीके से आसान से आप लगवा सकते हो। जय हिंद। देखो इस तरीके से हमारी
चल गई है, और इस तरह से आप मत्ता लगवा सकते हो, जो कि ये कितना प्यारा फिनिशिंग है। ये हमारी आलमारी बनी है, जब तक के लिए जाहिर।